जो उन्होंने कहा पप्पू का शब्द दिया कि पप्पू फेल हो गया। मैं आज आपको वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आज पप्पू फेल नहीं है। आज हमारे पप्पू जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, माननीय हमारे नेता हैं भारत के, वो आज फेल नहीं है। आज हमारे राहुल गांधी जी, जो लोग कहते पप्पू फेल हो गया, पप्पू आज पास होगा। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अकल 10 पैसे की भी नहीं है। अगर ज्यादा दिन इनके साथ रहा ना तो कोई तेरा ही पत्ता बिछा देगा, तेरे कोई कुछ करना पड़ेगा। लून मेड इन चाइना, टोपी मेड इन चाइना, जूता मेड इन चाइना, पंखा मेड इन चाइना, ये जो मेड इन चाइना शब्द लिखा है ना, इसको हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। राहुल गांधी जी का बेटा आज हमारे बीच में उपस्थित है। राहुल गांधी जी का बेटा आज हमारे बीच में उपस्थित है। आप सब जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा, राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा। शिव भक्त कब से हो गए राहुल जी? तो कार्यकर्ता जानना चाहते हैं आपके कुछ संस्करण जो आपने कैलाश यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस किया। झूला कैलाश झूला, जो कैलाश जो पर्वत है और जो मानसरोवर है, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। रीड एंड एबल टू अंडरस्टैंड द डाटा व्हिच इज देयर इन how you are going to help those children when who are not able to even understand one or two lines. Can I ask you a counter question? How are you going to help them? As a citizen, if I can give my 2 hours, 3 hours. No, not as a citizen, as a young Indian, how are you going to help them? Actually, please answer my question first, then I will answer you. try, how would you help them? Actually, my question, if I had any answer, then I would have not asked you this question. Sonia Gandhi, Jindabad! Congress Party, Jindabad! Rahul Gandhi, Jindabad! Priyanka Chopra, Jindabad! गांधी शहीद हो गया, राहुल जी गांधी शहीद हो गया, और भी कई नेता शहीद हो गया। अरे राहुल जी जीता है। सॉरी अच्छा तो इसके पहले तो इंटरेस्ट उतना राहुल जी के विश्वास नहीं था, पर जब दो तीन चक्कर मैं उनसे मिल चुकी, उन्होंने हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा कैसी हो, तब से मैं समझी कि हाँ ठीक है, ये भी चाहते हैं, तब से मैं शादी की इरादा बना ली। क्या कभी वो वादा कोई करे तुमसे, मिले हैं कभी तुमसे? जी साक्षात तो वादा नहीं किए हैं हमारे फेस टू फेस, पर वैसे वादा करते हैं, जब मैं उन्हें अपने सपनों में देखती हूँ तो वादा करते हैं कि हाँ मैं तुमको चाहता हूँ, जो तुम कहोगी वो करूँगा। सपने में आते हैं? जी जी। क्या कहते हैं सपने में? सपने में आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे साथ बच्चे भी पैदा करूंगा। तुम्हें बीबी का दर्जा दूंगा, वादा करते हैं, फिर मेरे साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। भैया देखिए सीधी सी बात है, ये जो पूरा तमाशा चल रहा है, ये नोटबंदी नंबर 2 है, इससे हिंदुस्तान के सब गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है, नोटबंदी को भूल जाए वो, ये झटका जो लगेगा ना नोटबंदी से दुगना बड़ा झटका है। ये बेसिक आइडिया क्या है कि हर गरीब हिंदुस्तान के हर गरीब से बोलो कि भैया आप हिंदुस्तान को बताओ कि आप नागरिक हो, हाँ या ना,
मगर जो उनके 15 दोस्त हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा का पूरा पैसा जो बनेगा वो पूरा का पूरा उन 15 लोगों के जेब में जाएगा। What the father fucking fuck is this guy talking about? Is this guy trying to fry my brain? I am so lost right now. Even Google Maps cannot show me the way. बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? मैं पप्पू हूँ। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूं जी, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे क्या?